ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए और यातायात नियम का पाठ पढ़ाने के लिए लगातार गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक श्यामदेव लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के यातायात चौराहे पर। आप देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक खुद खड़े हैं अपने दल बल के साथ और लोगों को यातायात नियम का पाठ भी पढ़ा रहे हैं और जो बिना हेलमेट के उनका चालान भी कर रहे हैं। वही गोरखपुर एसपी ट्रैफिक से आज बात करें सर, आज अभियान चल रहा है, क्या उसे कर रहे हैं? ये यातायात माह चल रहा है, यातायात माह में लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी जागरूकता अभियान के क्रम में आज निदेशालय द्वारा द्वारा जारी आदेश के क्रम में बिना हेलमेट के जो लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ एक चेकिंग अभियान है, उनको जागरूक करना है। और जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनको यातायात नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, ये कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। और ये कार्रवाई तो हमेशा चलती रहती है। आप जैसा देख रहे होंगे गोरखपुर में 98-99% लोग हेलमेट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी नहीं लगा रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ ये जागरूकता अभियान है, उन्हीं के खिलाफ ये चेकिंग अभियान है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर अगर चार पहिया वाले भी चल रहे हैं वो भी सीट बेल्ट, कई ऐसे होते हैं कि नहीं लगाते हैं, उनके ऊपर भी अभियान चल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, ये सीट बेल्ट लगा के जो नहीं चल रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान लगातार पिछले कई बार चलाया गया है, आगे भी उनके खिलाफ चलाया जाएगा। ये अभियान सबके लिए रहेगा जो जब तक कि लोग यातायात नियमों का सही से पालन नहीं करेंगे, ये अभियान चलता रहेगा। ये हमारे साथ थे गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक श्यामदेव जी। साफ साफ कहना है जिस तरह लोग अगर यातायात नियम का पालन जो कर रहे हैं उनके ऊपर है, लेकिन जो बिना हेलमेट और फोर व्हीलर अगर चला रहे हैं बिना सीट बेल्ट के, ऐसे लोगों की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं वीडियो द्वारा, यहाँ एक भाई साहब है स्कूटी से आए और बिना हेलमेट का वो गाड़ी चला रहे थे, बिना हेलमेट के पहने। यहाँ तुरंत इनको एसपी ट्रैफिक साहब इसको समझा भी रहे हैं कि आप हेलमेट पहनिए और चालान भी कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। भाई साहब क्यों हेलमेट नहीं पहने आप? हाँ सर, हेलमेट सर खो गया है। खो गया है तो अब तो चालान का सामना करना सर, पड़ेगा, अनमोल है। कोई बात नहीं सर, है क्या करेंगे सर। और भी लोग हैं, आप देखिए यहाँ की, यहाँ भाई साहब हेलमेट क्यों नहीं पहने, लगातार जागरूक किया जा सर, सॉरी सर, आज हम लग ले ऐसा गलती नहीं हुआ। देखिए कहीं ना कहीं लोग माफी भी मांग रहे हैं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, अब हेलमेट पहनेंगे। गोरखपुर से न्यूज 24 के अजीत सिंह, गोरखपुर।